नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे 18 देशों के प्रतिनिधियों के आने से ठीक पहले पुलिस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। मलेशिया पुलिस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि आतंकियों ने करीब दर्जन भर आत्मघाती दस्ते को पहले से ही मलेशिया भेज दिया है। कुआलालंपुर और बोर्नियो में आत्मघाती दस्तों की संभावित मौजूदगी को लेकर जो आंतरिक पुलिस सर्कुलर जारी किया गया था, उसके सामने आने पर मलेशिया के पुलिस प्रमुख खालिद अबू बकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। माली की राजधानी बमाको में लग्जरी होटल रेडिसन ब्लू पर धावा बोलकर 170 मेहमानों एवं कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया और इनमें से कम 27 लोगों की हत्या कर दी गई। करीब 9 घंटे बाद फ्रांस ने बंधक संकट खत्म होने की घोषणा करते हुए बताया कि 2 बंदूकधारियों को मार गिराया गया है। इससे पहले आतंकियों के हमले की वजह से होटल में फंसे सभी 20 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। माली में भारतीय राजदूत ने सभी भारतीय के सुरक्षित निकाले जाने की पुष्टि की। ये सभी भारतीय दुबई की एक कंपनी में काम करते हैं और होटल में स्थायी रूप से रह रहे थे। पाकिस्तान में होने वाली आतंकी घटनाओं में भारत की कथित संलिप्तता के दावे और उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र तक डोजियर देने वाले सरताज अजीज ने खुद अपनी पोल खोल दी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, क्योंकि आरोपों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अजीज ने कहा कि उनके दावे कुछ कथित गवाहों के विवरण पर आधारित है। एक अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामले के सलाहकार ने सीनेट की स्थायी समिति के सामने ये तथ्य स्वीकार किया है। सीनेटर नुजत सादिक की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष वह गुरुवार को पेश हुए थे। 4 मधेसी पार्टियों से मिलाकर बने मधेसी मोर्चा और सरकार के बीच संविधान संशोधन पर शुक्रवार को वार्ता असफल रहने के बाद नेपाल में फिर हिंसा भड़क उठी। नेपाल भारत सीमा पर स्थित मोरंग जिले के काटाहारी में मधेसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। मोरंग जिले के पुलिस प्रवक्ता प्रमोद खरेल ने बताया कि रंगेली से ब्राज नगर जा रही इस एम्बुलेंस पर पत्थर फेंके गए। एम्बुलेंस में एक मां अपने बीमार बच्चे के साथ थी। मां को हल्की चोट लगी है। बीरगंज के परसा जिले में मोर्चा समर्थकों ने कुछ देर पहले ही दवाओं से लदे वाहन को जाने दिया था। 18 सितंबर को हमला को चीन में एक आतंकी हमले में 16 लोगों की हत्या का बदला लेते हुए चीन के शिजियांग प्रांत में सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवादियों को मार गिराया है। क्षेत्रीय सरकार की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। कोयले की एक खदान पर घातक हमला बोलकर 16 लोगों की हत्या करने के जिम्मेदार एक आतंकी समूह के 28 लोगों को चीनी पुलिस ने अशांत शिनजियांग प्रांत में मार गिराया है। शिनजियांग के प्रचार विभाग ने एक बयान में कहा कि आतंकियों को प्रांत की पुलिस ने 56 दिन के अभियान में मार गिराया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।